अल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे बेस्ट एनालिसिस की। बेस्ट एनालिसिस इज टाइप ऑफ एनालिसिस विच यू यूज इन डिफरेंट बिजनेस एनालिसिस। और इसमें जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें बेस्ट एनालिसिस की, तो इसमें चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। द फर्स्ट वन इज़ पॉलिटिक्स, सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक्स, थर्ड वन इज़ सोसाइटी एंड द फोर्थ वन इज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास ये चार चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं बेस्ट एनालिसिस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज लेक्चर। अब तक हमने जितनी भी एनालिसिस की टाइप्स की हैं उसमें पेस्टल था, सॉर्ट था, टॉस था, और आज हम कर रहे हैं बेस्ट एनालिसिस। और मज़ीद हमारे पास चार जो है वो कैटेगरी बाकी है एनालिसिस की, जो कि इंशाल्लाह हम बहुत अपकमिंग अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। बेस्ट एनालिसिस एक्चुअली होती क्या है? बेस्ट एनालिसिस एक्चुअली एक्रोनियम है बेस्ट, विच स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स। ठीक है, तो इन चार पार्ट्स को जो है वो हम इसमें एनालाइज करते हैं। ये चार पार्ट्स जो है वो एक्चुअली क्या बना रहे होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर बना रहे होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी उस वक्त होती है जब हम किसी बिजनेस मेकिंग डिसीजन की तरफ जा रहे हों, तो उस वक्त जो है वो हमें बेस्ट एनालिसिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो बेस्ट एनालिसिस जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उसके लिए जो है वो बेस्ट एनालिसिस इतना बेनिफिशियल नहीं होता। अलबत्ता बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में बेस्ट एनालिसिस एक बहुत अहम कैरेक्टर जो है वो अपना प्ले करता है। तो यहाँ पर हमने अब तक जो है काफ़ी सारे जो है वो हमने एनालिसिस देखे हैं तीन चार, और उसमें हमें पता चला कि जनाब हम बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम पेस्ट को ही क्यों सेलेक्ट करें एंड हमें पेस्ट की एक्चुअली ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो हमारे पास कुछ इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं, आप ये कह लें कि कुछ इसके इम्पोर्टेंस है जहाँ पर हम इसको एसेंशियली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जनाब ये सपोर्ट करता है बिजनेस की डेवलपमेंट को बाय आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, और इसके साथ जो है ये अपने फ्यूचर जो है वो थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करता है या मार्कअप करता है। साथ में ये एक्सटर्नल बिजनेस के एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे तरह से जो है वो कवर अप कर रहा होता है, जिससे आपको जो है वो आने वाली चेंजेस का भी जो है वो अंदाज़ा होता है और उसके अंदर आप क्या अडेप्टेशन कर सकते हैं वो भी चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी एनालाइज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम इसे इस्तेमाल करते हैं उस सिचुएशन में या उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर हमें जो है वो ये सोचना हो कि जनाब हमारा प्रोजेक्ट बस किसी भी सूरत फेल ना हो। ठीक है, तो फेलियर से बचने के लिए जहाँ पर भी हम जाते हैं, लाइक अगर आपके जो है वो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो रहे होते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस ये सोचती हैं कि हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी स्टार्ट करें जिसमें हम फेलियर से बच सकें। ठीक है, यानी आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप होने से बच जाए, उसके लिए जो है वो हम बेस्ट एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बेस्ट एनालिसिस जो है वो डिफरेंट मार्केट की क्वांटिबल जो फैक्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करता है। तो दैट्स वाई उसमें हम जो भी स्पेसिफिक अजम्पशंस कर रहे हों किसी भी मार्केट के रिगार्डिंग, तो वो फिर काफ़ी सही जाती है अगर आप जो है वो बेस्ट एनालिसिस को लेकर जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम करें। तो अगर हम समरी करें इस पूरी स्टोरी की, तो समरी में यह है कि जनाब आपके पास बेस्ट एनालिसिस एक्चुअली कवर कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ताकि हमारी जो भी वर्किंग टीम है या मार्केटिंग टीम है या बिजनेस की जो भी हमारी टीम है वो क्रिएट कर सके एक्यूरेट डिसीजंस, और उससे जो है वो आप बड़े फ्यूचर प्लान्स को जो है वो सक्सेसफुल बना सके। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में भी बेस्ट एनालिसिस काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट रखता है। सो दीज आर द फ्यू रीजंस कि हम जो है वो बेस्ट एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बड़े बिजनेस की डिसीजन मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, या पोटेंशियल चेंजेस जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कर रहे हों तो हम उसे जो है वो एनालाइज करने के लिए बेस्ट एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमें बेस्ट एनालिसिस एक्चुअली करनी किस तरह है? बेस्ट एनालिसिस करने के हमारे पास चार जो है वो बेसिक स्टेप हैं,
और इन चार स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है वो ब्रेन स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फैक्टर है। ब्रेन स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फैक्टर की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमारे पोटेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखना है, जिसको आपने एनालाइज करना है बेस्ट एनालिसिस को कवर अप करने के लिए। वो है जनाब पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है। अगर हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल के लिहाज से आपको अपने कंट्री में ये चेक करना है कि जनाब आइदर इलेक्शंस आर कमिंग अप और नॉट, आपके कंट्री के हिसाब से आपके जो बिजनेस है उसको क्या जो है वो इम्पैक्ट आने वाला है, आपके स्टेट की पॉलिसी का, आपके स्टेट के एक्शंस का आपके बिजनेस ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आप इसके जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर में देख रहे होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल के बाद हमारे पास सेकंड आता है जनाब इकोनॉमिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो स्टेट की इकोनॉमी के साथ जो आपकी मतलब स्टेट के जो करंट ट्रेंड चल रहा होता है ग्रोइंग का या फ्लैचुइंग का या डिक्लाइन का, इस ट्रेंड के हिसाब से जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर को। सोशियो कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें तो सोशियो कल्चरल फैक्टर में हम देखते हैं कि जनाब हमारे ट्रेंड में क्या चल रहा है। फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हम देखते हैं कि हमारे जो है वो स्टेट और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों कौन से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर जो है वो खड़ी हैं या कौन सी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर रही हैं, ये दो चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। अगर हम करंट एरा की बात करें तो हमारे इस करंट एरा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा रैपिड हो रही है और अब तो हमारे पास एआई का दौर है, तो दैट्स वाई हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को यहाँ पर हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम जो है वो पेस्ट एनालिसिस की बात करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ हमारे पास जो है वो अच्छा सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो है ब्रेन स्ट्रॉम अपॉर्चुनिटीज़। ब्रेन स्ट्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम ब्रेन स्ट्रॉम कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास पेस्ट में हमारे पास ये चार फैक्टर्स हैं जिसको हमें ब्रेन स्ट्रॉम करना है और इसके लिए जो है वो आप डिफरेंट और जो हमारे पास एनालिसिस की टेक्निक्स हैं आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप करंट जो है वो चीज़ों को भी देख सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जनाब, ग्रोथ और रिमोट सॉल्यूशंस वगैरह पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ब्रेन स्ट्रॉम करने के लिए आपका रियल टाइम कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो स्टेप है वो है ब्रेन स्ट्रॉम थ्रेट्स। ब्रेन स्ट्रॉम थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है वो पोटेंशियल रिस्क का पता होना चाहिए। पोटेंशियल रिस्क जो कि आपके पास जो है वो मौजूद हैं या जो आपके पास अपकमिंग है, ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप है इसका कि आप एक्शन लेते हैं, आप हाईलाइट करते हैं अपने बिजनेस प्लान्स को, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, उससे क्या आपका इम्पैक्ट आने वाला है आप उसको देखते हैं। डिसीजन मेकिंग आपने किस तरह से करनी है, आपने हाईलाइट करना होता है अपने बिजनेस के फैक्ट्स को और क्लैक करना होता है अपने तमाम आइडियाज़ को, लुक करना होता है अपने अपने एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ को और उस लिहाज से जो है वो आप एक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चार स्टेप्स हैं। तो इन चार स्टेप्स के बाद आपके जो है वो पेस्ट एनालिसिस की जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर हम अगर पेस्ट एनालिसिस को एक समरी के तौर पर हम चेकआउट करें कि एक्चुअली जो है वो पेस्ट एनालिसिस क्या कर रहा है, पेस्ट एनालिसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस पर, कम्युनिटी पर और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लीडर्स की पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो दैट्स वाई जो है वो हमारे पास पेस्ट एनालिसिस को अगर हम देखें तो ये जो है वो एक अच्छा जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो अब हम देखने जाएंगे अपने मैं काम करूं मैं करूंगी करो इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हमें देना है पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल
टेक्नोलॉजिकल सेक्शंस। ठीक है, ये सारे सेक्शंस कवर करने के बाद जो है वो हमारा पेस्ट एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को और कवर करेंगे, जैसे कि मेरे पास है एक बैकग्राउंड, मुझे जो है वो बैकग्राउंड भी प्रेजेंट करना है, और फिर जो है वो लास्टली मैं एक समरी या एक कंक्लूजन भी प्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक सेक्शंस हैं जो कि एनालिसिस के साथ जो है वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ, और इसके लिए अब हम जाएंगे सर्चिंग करने, और सर्चिंग के बाद जो है वो हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी हम कैप्चर करेंगे हम यहाँ पर ड्रैग करके लाएंगे, और फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पर जो है वो राइट अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट एनालिसिस किया है जनाब। नेचर केयर जो है एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो है वो स्किन केयर मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और काफ़ी जो है वो इनके फॉरेन मार्केट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है वो इनके इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कुछ जो है वो इनका बैकग्राउंड रखा है, और बैकग्राउंड के बाद मेरा है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस में आप देख सकते हैं एक सेक्शन जो है वो मेरा पॉलिटिकल फैक्टर्स को कवर कर रहा है, एक इकोनॉमिकल को कवर कर रहा है, एक हमारा जो है वो सोशल जो है वो फैक्टर्स को कवर कर रहा है, और एक हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को कवर अप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो कि हमें किसी भी पेस्ट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। बट कीप इन माइंड कि आपको पेस्ट एनालिसिस करना किस तरह है, उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। जो चीज़ें हमने अपने लेक्चर में यहाँ पर कवर की वो चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेस्ट एनालिसिस करने के लिए कोशिश करें या करने जाएँ। तो ये चीज़ें जो है वो बिज़नेस एस्पेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। टिल आर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।